आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, तो इस मौके पे मैं सभी मीडिया कर्मी को बधाई देना चाहता हूँ। और साथ साथ ये भी आपको बता दे कि मीडिया ही वो जरिया है जिसके चलते कभी किसी की आवाज़ उठती है तो कभी किसी को न्याय मिल जाता है। आज मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप एकजुट होकर और एक साथ काम करें ताकि आप जनता तक सही समाचार पहुँचा सके और सरकार को एक दर्पण दिखा सके। प्रेस एक ऐसा शब्द जो आमतौर पर समाचार पत्रिकाओं को संदर्भित करता है। ये हमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मुद्दे के साथ साथ देश दुनिया में दिन प्रतिदिन होने वाले घटनाओं के बारे में बहुत सी खबरें प्रदान करता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रेस सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रेस के मुक्त आंदोलन के बिना लोकतंत्र एक गलत नाम है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की महत्व को कम नहीं समझा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 मई 1993 को विश्व प्रेस दिवस घोषित किया, जिसका पीछे का दर्शन यह है कि स्वतंत्रता अधिकार का पालन करना और उनका समर्थन करना और सरकारों को अपने कर्तव्यों की जानकारी देना। प्रेस एक ऐसा शब्द जो भारतीय संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आज के काल में इसका महत्व अपने आप में अतुलनीय है। ऐसा नहीं है कि आज किसी देश में स्वतंत्रता मिली थी प्रेस को, लेकिन आज के ही दिन 3 मई 1993 को यूनाइटेड नेशन ने विश्व स्वतंत्रता प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था, जिससे सभी मीडिया कर्मी एक जगह एकजुट होकर चर्चा कर सकें। प्रेस मीडिया का मतलब है प्रेस की आज़ादी। किसी भी मुद्दे को सही तरीके से बताना और दिखाना प्रेस का काम है, चाहे वो मुद्दा महिलाओं के लिए हो, चाहे वो पुरुष के लिए हो, बच्चे या बूढ़े, सभी के लिए क्या प्रेस काम करती है। महिलाओं के हक के लिए भी प्रेस खड़ी होती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे प्रेस के जरिए ही लोगों को न्याय मिला है। मीडिया तो हर जगह है, मीडिया ना हो तो हम अपनी हर घटना से अनजान रह जाएं। विश्व स्वतंत्रता दिवस पर हम यही कामना करते हैं कि मीडिया अपना काम स्वयं करते रहे। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत 179 देशों में से भारत के स्थान की बात करें तो भारतीय प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स के 137वां स्थान पर आता है। इस आंकड़े को देखकर भारतीय मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों भारतीय मीडिया इतना नीचे है, क्या सचमुच भारतीय मीडिया को आज़ादी मिली है या नहीं। कैमरामैन दर्पण के साथ मैं केशव यादव।